हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंजलि। आरएसटी किचन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक न्यू रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम न्यू रेसिपी में बनाएंगे मेथी और आलू की भुजिया, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी है फ्रेंड्स। और तो और, इसे बनाने के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं लगते और 10 मिनट में आप फटाफट से इसे बनाकर दाल चावल के साथ भी खा सकते हो। आप इसे मेथी और आलू की सूखी सब्जी भी बोल सकते हो फ्रेंड्स। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है मेथी। तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने मेथी ले लिया है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमने मेथी को अच्छे से धो लिया है और उसमें का जो पानी है वो अच्छे से निचोड़ दिया है, यानी कि मेथी के जो पत्ते हैं उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने चाहिए। और फिर उसके बाद इसे देख सकते हो, छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से हम काट लेते हैं, ये देखिए साग जैसा। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस को ऑन किया और कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल डालना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मेथी की सब्ज़ी यानी कि भुजिया बना रहे हैं इसमें सरसों का तेल ही यूज़ करें। फिर उसके बाद जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और लहसुन। तो यहाँ पे देखिए दोनों एक ही साथ हमने डाला है, क्योंकि यहाँ पे मेरा तेल बहुत ही गर्म हो गया था इसलिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उन्हें छील कर धोकर अच्छे से ले लिए और फिर उसके बाद पतले पतले पीसेस में इस तरीके से काट लिए थे, वो यहाँ पर हमने डाल दिया है। फिर उसके बाद बारीक कटा हुआ जो मेथी लिए थे हमने वो यहाँ पे डाल दिया और इसी के साथ हमने इसी में ऐड किया है हरे मिर्ची का। तो यहाँ पे छोटी छोटी मिर्ची हमने काट लिए थे और वो यहाँ पे एक ही साथ में हमने डाल दिया है। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया। हल्दी पाउडर का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देंगे। फिर उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, जब अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स, ये देखिए, तो यहाँ पे हमें लगातार इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो 1 मिनट तक हम इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, जैसे कि जो हल्दी है वो अच्छे से सारी जगह पे मिल जाए। तो यहाँ देखिए, हम इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा लगभग 1 मिनट हो चुका है तो हम मिक्स करते हुए। फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे। ढक कर हमें ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स, कम से कम 6 से 7 मिनट तक पकाना है। और बीच बीच में ध्यान रखें, इसे चेक करते जाएं, क्योंकि ये जो भुजिया बना रहे हैं ये नीचे से धरने लगता है। तो और एक बात को और ध्यान रखें, यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम टू लो फ्लेम पर करें। तो यहाँ पर देखिए, 5 से 6 मिनट के बाद अच्छे से हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एक प्लेट में सर्व करके आप सबको दिखा देती हूँ। आप इसे फ्रेंड्स दाल चावल के साथ खा सकते हो, क्योंकि इससे काफ़ी टेस्टी आता है खाने में। दाल चावल के साथ अगर आप इसे खा रहे हो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं इसे दाल चावल के साथ ही खाती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि मेथी की जो भुजिया बनाए हैं हमने, ये आप दाल चावल के साथ खाएँ। या फिर बहुत लोगों को पसंद है ऐसे भी खाना, या फिर पूड़ी के साथ और रोटी के साथ, जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगता हो उस तरीके से खाइए फ्रेंड्स। पर आपने अगर कभी ट्राई नहीं किया होगा तो एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाकर देखिए, मेथी की भुजिया या फिर सब्जी बोले आप। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा भुजिया बन चुका है। तो चलिए मैं इसे दाल चावल के साथ खाने। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, एक न्यू रेसिपी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।